आरक्षण न रहे, खाली अकाउंट देख करके किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है उस हिसाब से आरक्षण किया जाए। व्यवस्था में जो नीची जातियां हैं, जो दलित है, जो पिछड़ी है, उसको सेवक बताया गया है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी और दलित जातियां जाएंगी। प्रसाद मौर्य वो तो खत्म कर देंगे सपा को, देख लेना आप 2024 में अगर 5 सीट पे ना आए तो अपना नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। 2024 में 5 सीटों पे आ जाएंगे तभी प्रसाद मौर्य की वजह से, लेकिन भागवत जी की वजह से। भागवत जी कुछ नहीं बोले हैं इस पे, ठीक है। कल उनका बयान आया चर्चा में, पूरे आज पूरे ट्रेंडिंग में चल रहा है। हमको जो चीज नॉलेज नहीं है उसको हम नहीं, हम बता रहे हैं उन्होंने क्या कहा। मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो जात व्यवस्था है वो ब्राह्मणों की देन है, ब्राह्मणों की वजह से, जो की बहुत बड़ी गलती है। अब हम ब्राह्मण है, हम कह रहे हैं सब लोग पंडित बन जाए, खत्म करो आरक्षण, खत्म करो उद्देश्य से बात खत्म हो गई। मतलब आप चाहते हैं आरक्षण खत्म होना, बिल्कुल खत्म हो जाए आरक्षण। आरक्षण न रहे, खाली अकाउंट देख करके किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है उस हिसाब से आरक्षण किया जाए, बात खत्म हो गई भैया। जैसे मतलब जिसके पैसे के हिसाब से, हाँ पैसे के हिसाब से ऑनलाइन अकाउंट। भाई साहब वकील साहब ये कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए और मोहन भागवत के बयान से कुछ नहीं होने वाला। स्वामी प्रसाद का जो बयान आया उससे जो पंडित ठाकुर है वो सब भाजपा की तरफ आ जाएगा, ये कहना है ना। 2022 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में ब्राह्मण ठाकुर पूरा 100% बीजेपी को वोट दिए हैं, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, ठीक है। उनको डाउन ही होना है क्योंकि सबसे बड़ी चीज है भारतीय जो प्रधानमंत्री है हमारे, वो प्रधानमंत्री स्वयं जो है अपनी को पिछड़ी जात घोषित करके उत्तर प्रदेश में वोट मांगे हुए हैं। अभी इस मुद्दे पे स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पे जो चल रहा है उस पे ये प्रधानमंत्री जी को बोलना होगा कि वो बैकवर्ड जात से हैं या समर्ण जात से हैं, उनको बोलना होगा। हाँ ये मोहन भागवत जी का बयान आ गया है, अभी और आने बाकी है कि वो अपने को बताए किस तरीके से है। ये तो कह रहे हैं कि सबको ब्राह्मण बन जाना चाहिए पूरे देश में जितने भी लोग, ब्राह्मण क्यों बन जाएगा भाई। मैं वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं तो हम खत्म, आज हम अपनी गलती में खत्म करने के तैयार। आप भी आ जाइए ब्राह्मण बन जाइए, एक बात कर रहा हूँ वर्ण व्यवस्था की, मैं बात कर रहा हूँ वर्ण व्यवस्था में जो नीची जातियां हैं, जो दलित है, जो पिछड़ी है, उसको सेवक बताया गया है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी और दलित जातियां जाएंगी क्योंकि वो सेवक है। ये लोक सेवा आयोग है, वहाँ सेवा करना है उनको, आप ही लोग ने सिद्ध किया है वो सेवक है, उनके लेकर दीजिए पूरा। आप लोगों को जाने का अधिकार नहीं है, उसमें मत जाइए, बिल्कुल नहीं। वो सेवक है, अभी वकालत 10 साल और करे उसके बाद संविधान लाए, दूसरा बाबा अम्बेडकर पैदा हुए। नहीं एक मिनट, लोक सेवा आयोग में दलितों पिछड़े, इसका मतलब दलितों, इसके मतलब दलितों के साथ ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, उनका मजबूर किया रेंगने के लिए और नाली में पैदा होने के लिए। हम मुझको जानते हैं, मैं सुधीर श्रीवास्तव, मेरा नाम श्रीवास्तव हूँ। आप पता करिएगा कायस्त बिरादरी श्रीवास्तव ये किस वर्ण व्यवस्था में आते हैं, खाली पता करिएगा, शूद्र में आते हैं। हमने अपने दिमाग से अपनी मेहनत से विकास किया, आज ब्राह्मण को मैं टक्कर दे रहा हूँ, अब ब्राह्मण अपने बगल बैठा था। आप में दम हो, आप अपनी मेहनत से आगे आइए। मैं किसानी करता हूँ, मैं भैंस चलाता हूँ, मेरे जैसा ताकत नहीं है किसी में। मैं भैंस चलाता हूँ, मैं गाय चलाता हूँ, मैं किसानी करता हूँ, हल जोतता हूँ, कोल घोड़ता हूँ, मेरे जैसा ताकत किसी में नहीं है, समझ रहे। मैं एसी में बैठने वाला नहीं हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। हम उसी ताकत में नहीं आप पीछे हो सकते हैं, समझ रहे हैं। है जैसे आप ये समझ रहे हैं कि किसी ने आपको छीना, किसी ने छीना कुछ नहीं है। आरक्षण भी आपके पास है, आप आगे बढ़िए। आपको आपके घर पे कहां ब्राह्मण आपको रोकने जा रहा है, एक भी बता दीजिए कि कहीं रोकने जा रहा हो। जनरल एंट्री जो कराया जा रहा है, मानसिकता है, मानसिकता नहीं है, वो अस्पष्टता आरक्षण को खत्म करने के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करना। एक बात बताइए मोहन सुनिए बताइए, कोलोजियम से सिस्टम होता है वो आरक्षण नहीं होता है क्या? वहाँ पर योग्यता देखी जाती है, ये बताइए क्या योग्यता देख जा, बता दो ना आप बताओ। जो कोलोजियम सिस्टम होता है जजों को सिलेक्शन का, नहीं एक मिनट सुनिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपको बात करनी, आप आइए सामने। वो जो उसमें योग्यता का आधार होता है चयन का, वो क्या होता है बता दो आप। चलो बता, जो सीनियर जज होता है, सरकार को लगता है कि ये बढ़िया है, पैनल बनता है, पैनल सरकार क्या का लगता है, पैनल बनता है, पैनल जिसको सरकार को, वर्तमान सरकार को यही लग रही है कि कौन आरएसएस का सदस्य, जो आरएसएस सदस्य है वो नौकरी पा रहा है, उसकी हर जगह नियुक्ति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के जितने भी थाने में जाकर देख लीजिए, थाना अध्यक्ष कौन बना बैठा है। सरकार में आरोप लगाए, सपा सरकार में क्या था, आज भी है सरकार में,
इसलिए आपका चुनाव हुआ था। सपा सरकार बुरी थी इसलिए आपका चुनाव हुआ था। आपने तो उसका बुरा और कर दिया, हर थाने में व्यवस्था कर दिया कि ठाकुर जात के आया अध्यक्ष बैठा हुआ है। भाई नहीं तो मायावती को लेकर के आना चाहिए, अखिलेश के पीछे क्यों आपका माया मुद्दे को बात करिए, मायावती अखिलेश की बात मत करिए।